बोली तेरे साथ है भूत की टोली मेरे नाथ रे। हाँ चाय पीने आ गए हम। केदारनाथ मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से यात्रा तो शुरू हो गई है लेकिन हम यहीं से शामिल हो जा रहे हैं। तो इस वक्त नहा लिया है, नहाना धोना सब हो गया है, अभी जस्ट नहाया है, नहाया को तो नहलाया भी नहीं है, मौसम इतना ख़राब हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं कलश यात्रा में जाने वाली हूँ, तो मैं तैयार होती हूँ, लेट हो गया है थोड़ा, सब लोग तैयार हो गए क्योंकि एक तो बारिश ने बेकार कर दिया, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि जाऊँ नहीं जाऊँ, ठंडा हो रहा था, सुबह जाड़े से लकड़ी गई थी, जाड़े से मर गई थी मैं। अभी कुछ नहीं किया है, जल्दी से तैयार होती हूँ, फिर तैयार हो गई हूँ कलश यात्रा में जानी हूँ। और पेटी कोटी नहीं मिला रेड वाला, जाओ ठीक है, ये ठीक नहीं लग रही है, बढ़िया लग रही है, ये तो तुम्हारी फेवरेट साड़ी है, ये गले हले का तो सब मायके ही है, क्या ही करूं, कनकली तो कान के पहन लिए, तो मेरे सारे गोल्ड की ज्वेलरी जितनी थी ना वो सब मायके में ही है। तो इसी के साथ ही हम आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम बबीता हिमांशु मुरारी है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है तो चलो निकलते हैं, तो मैं जाती हूँ, हाँ जनी कला ना कहेंगी मम्मी जी, चलो मिलते हैं सीधे टाग जाके जहाँ पे मंदिर, कलश यात्रा गाड़ी यात्रा है ये, अभी वहाँ से यहाँ होगी यात्रा। एक तो ये मौसम भी ठंडा क्यों हो गया होगा आज। केदारनाथ मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से यात्रा तो शुरू हो गई है लेकिन हम यहीं से शामिल हो जा रहे हैं, चलो फिर हमें दोबारा से यहीं आना है। चलो पैदल चलना है, यहाँ से जहाँ से हम आए हैं वहाँ तक हमें पैदल जाना है और वो भी नंगे पैर, सारी जो महिलाएं हैं वो सब नंगे पैर चल रही हैं और नीचे से रोड़ियाँ चुभ रही हैं। यात्रा पहुँच गई है केदारनाथ के गेट पे, यहाँ से मेन रोड शुरू हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट पहुँचेंगे ना, यहाँ से रोड से हम लोग शॉर्ट रास्ते से निकलने वाले हैं और यहाँ से फिर से हम रोड में निकलेंगे। देखिए तो यहाँ पे मंदिर था इसलिए
यहाँ पे एक मंदिर था, इसलिए हम शॉर्ट रास्ते से आए और फिर से हम सड़क पे जा रहे हैं। वो देखिए चले आ सीता का जाना गजब हो गया, चुचर माना गजब हो गया, बोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू। मंदिर में जा रहे हैं, चलती थोड़ी है वो, वही बैठी रहती है तुम्हारे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये मेरी वीडियो, सारी वीडियोस देखी ये देखो और अनाय को याद कर रही है। तो परिक्रमा करेंगे सबसे पहले, एंजॉय करो वीडियो को। मैं किसी की चैट नहीं पढ़ पा रही हूँ यार इसमें, कह रहे मैं तो लाइव आऊँगी। हाँ यार मैं तो आ गई लाइव, क्या करूँ। इतना लंबा सफर कब कटा पता ही नहीं चला, सच में पता ही नहीं चला, वो भी नंगे पैर। तो ये है माता रानी का मंदिर, सबकी फूल पाती मेरी जून आती है, उड़ते उड़ते आ गई ना इसमें की धरती। वो परिक्रमा कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ से जाना है जहाँ से हम वापस आए मंदिर, हाँ, और फिर वहाँ से फिर से वापस आना है, बाकी तो सब कुछ घर को ही जाएंगे। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। बम बम बोले टोली तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे नाथ रे। गाओ गाओ भोले बाबा जी दर तेरे मैं आया जी, झोली खाली लाया जी, खाली झोली भर दो जी। गाना बोले 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 अब रोड से नीचे की ओर निकली है यात्रा, और ये ना रास्ता फिर भी ठीक है,
रोड में छोटे छोटे पत्थर चुभ रहे थे, अभी ठीक है। यहाँ से ये यात्रा जाएगी, बहुत दूर दिख भी नहीं रहा है यहाँ से। तो अब पहुँच गए हैं याले मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? बस कुछ ही दूरी पे अब मंदिर आने वाला है। वहाँ मिलता है आलू के गुटके मिलते हैं, पिछली बार भी गई थी ना मैं, इसलिए पता है मेरे को। आज पता चला। अब छुपेंगे ना मस्त वाले। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ढेरनाथ मंदिर में। हेलो 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 मंदिर के दिखा दे। मंदिर में पहुंच गए हैं सारे श्रद्धालु जन। चलो आ जाओ पीछे आ जाओ। यहाँ से यहाँ पे कथा का पास आरंभ होने वाला है। सभी लोग कलश अपने पास अपने सर पे ही रखे रहेंगे। ओम शशि नारायण महासुताप देवर्चने शशि और अच्छा तुम्हारा। और सभी लोग प्रेम से एक एक करके कलश रखेंगे, लाइन से रखना और आराम से रखिए कलश, क्योंकि कलश लेकर जाना भी है। सब ठीक आ गए? हां और रखो ठीक है। बीच में और पास में निकल वाला चेक ना ब्याज महाराज एक एक प्लस अंदर की रखा। अंदर की रखा पड़ेगा। हां इधर को आ जा। हां सभी लोग फ्रेम से कलश रखेंगे। आज जो कलश रखिए पीछे हट जाए। कलश रखना मत। कलश रख दे लाइन से रख के दो। नीचे 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 रखो। जजल राजा नीचे रख दे। और जो कलश रख लिया पीछे हट जाओ। चलो रख दिया। अंजी का लाइस मैं रखूंगी। सुतुर रख दिया। बाबू पीछे हट जाओ। इधर से आ जाओ बाबू। इधर से रखो। इधर से रखो। सभी लोग बैठ जाओ। प्रेम हेलो 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 सभी लोग प्रेम से बैठ जाइए। यहाँ पर 3 बजे सभी को आना है, क्योंकि 3 बजे से यहाँ पर श्री मसीहपुरा व्यास जी महाराज आएंगे और व्यास पीठ पर विराजमान करके और कथा प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग इस बार थके तो नहीं होंगे ना? नहीं। तो पिछली बार आप लोग थक गए थे। और जो कलश उठाता है वो 7 दिन तक कथा में अवश्य आना अनिवार्य होता है, इसीलिए आप लोग अपने सर पर इस कलश को उठाए हुए हैं। तो किस कारण से इसके बारे में हम कथा में बताएंगे, मगर सभी लोग प्रेम से यहाँ पर जलपान कराइए। भैया लोग सो खड़े हैं। हाँ सभी लोग को प्रसाद बैठे बैठे दो।
बैठे बैठे ही प्रसाद देना है। ताली तो दो भी रहा जय, एक फोटो खींचे, पानी पीने आ दो यार। तो ये है ढेरनाथ मंदिर जो कि देवदार के पेड़ों के बीच में स्थित बहुत ही सुंदर मंदिर है, चोटी पे स्थित है और यहाँ से 2 किलोमीटर की हमने जो है यात्रा तय की और फाइनली हम लोग मंदिर में अब यहाँ से हम लोग वापस चलेंगे। तो यहाँ पे ना सब लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं ऊपर पे और यहाँ पे पानी मिल रहा है, मुझे लगी है प्यास तो मैं अपनी प्यास बुझाती हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे घर के लिए। चलिए चाय पीने आ गए हम, चाय 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 थोड़ी देना बस बस काफी। और कौन है चाय, फोन फोन ने आत्महत्या कर ली, यानी कि स्विच ऑफ हो गया है, हाँ बंद हो गया है। ये भाभी जी फोन तो स्विच ऑफ है, फोन तो स्विच ऑफ हो गया है और ये कल टिक नाइट ना ली शर्म ना शर्म तो ना लगे तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोटोशूट चल रहा है, चलो अब यहाँ से निकलते सीधे घर के लिए, अगर गाड़ी मिलती है तो ठीक है वरना पैदल जाएंगे। और ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ से यहाँ पे आज शाम 3 बजे से शिव पुराण लगने वाला है तो आप लोग ज़रूर आइए। टाटा आगे चली गई ना मम्मा, तो हम घर आ गए हैं। मैंने ना अपने कुंडल अभी तक उतारे नहीं है, ये कान बाट लग गया अरे जो तो पहने सब पहने कहा आज बारिश हुई है तो आज सभी लोग खुर्सा मिर्चा नहीं लगा रही, के ना हो रही बारिश है तो रही, मम्मी भी जा रही है मिर्ची लगाने के लिए, शिमला मिर्ची लगाएंगे अभी ऊपर वाले खेत में। तो मेरे को भी जाना था कहाँ से जाऊँ मैं, अन्नू को देखूंगी कि, तो मेरे को भी जाना था लेकिन मैं जा नहीं रही हूँ अभी, मेरे को मायके जाना है ना तो थोड़ी बहुत तैयारियाँ करनी है, क्या लेके जाऊँगी, परसों को वहाँ पर शादी है तो थोड़ा सा तैयारी करनी है। चलो फिर, तो अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और ये ना मैंने लांचे का दुपट्टा डाला हुआ है, ये मेरी बहन का लांच है जो कि यहीं रह गया था, अब मुझे कल इसको भी लेके जाना है और कल मुझे जाना है फिर से मायके, वो इसलिए क्योंकि मायके में है ताई के बेटे की शादी तो वहाँ के लिए तो निमंत्रण आया हुआ है तो जाना पड़ेगा। तो अभी ना मेरा भैया आया हुआ है और ये देखो यहाँ पे बैठा है, तो इसने जैसे ही ये आया ना इसको मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिलाया, मैंने सीधे इसको धान हमने धान कुटवाने को दिए थे वो लेने के लिए भेज दिया और चक्की बहुत देर 7:30 बजे खुलती है तो ये 7:30 बजे अब भी लेके आ ही रहा है। और अनाया ना किसी के पास नहीं जाती है लेकिन मामा के पास चली जा रही है, शायद पहचान रही होगी ना वो, अभी रो भी नहीं रही है। तो चलो आज सब्जी में बनाना है मेरे को, तो पनीर खाँच कह रहा है लेकिन पनीर तो है नहीं, मूली थेचो बनूनी हो, मूली थेचू खा लिया, हाँ थेचू खा रहा कसम कर, मूली और शिमला मिर्च साग बनू पे आल आल शिमला मिर्च और मिके थेचू खाना मन करना सच्ची में।
तो आज दी लोग भी आए हुए हैं, अभी तो डोल आश्रम गए हैं, तो उनके आने तक तो वो लोग यहाँ पे भी आएंगे। तो चलो फिर मैं जल्दी से सब्जी वब्जी बना लेती हूँ और कल के लिए सामान की तैयारी करती हूँ, क्या क्या सामान मेरे को लेके जाना है करके। चाय बनाया जा। और ये चाय, एक मेरी सास हो गई, एक मेरा भाई हो गया, ये दोनों चाय के अमली हैं, इसको भी चाय चाहिए, अभी से दो चाय पिएगा ये। तो ये कलर का लांछा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरी बहन पहन रही है, लेकिन मेरे पास इसी में एक किस कलर का है, मेरे पास मेहरून कलर का, जो कि मैंने इंगेजमेंट पे लिया था। मैंने अभी कोई शॉपिंग नहीं की, मैंने एक लहंगा ऑर्डर किया है लेकिन वो आज जाके पहुंच रहा है, तो उसका ब्लाउज भी मैंने स्टिच नहीं करवाया है, सोच रही हूँ जल्दी से कल स्टिच कराऊँ। अभी मैंने वो पार्सल भी नहीं खोला है, तो मेरे पास ऑलरेडी कपड़े हैं, वैसे भी लहंगा वगैरह ज़्यादा लेके करना ही क्या है ना। तो चलो फिर अभी जल्दी से चाय बनाते हैं इसके लिए और मम्मी के लिए, लेट्स गो।